हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू मटर पनीर करी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे, 200 ग्राम पनीर, आधा कप हरे मटर, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 मीडियम टमाटर, 1 बड़ा उबला हुआ आलू, 1 मीडियम प्याज, 9 से 10 लहसुन की कलियां, 1.5 इंच अदरक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 5 से 6 चम्मच तेल, आधा चम्मच साबुत जीरा, 1 से 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच सूखी कसूरी मेथी, 3 से 4 चम्मच फ्रेश क्रीम, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा धनिया के पत्ते। पनीर को छोटे क्यूब्स में काट ले। प्याज को छोटे पीसेस में काट ले। हर एक हरी मिर्च के बीच से चीरा लगा ले। अब टमाटर को छोटे पीसेस में काट ले। लहसुन और अदरक को अच्छे से ग्रेट कर ले। उबले आलू से छिलका निकाल दे और छोटे पीसेस में काट ले। अब हम बना लेंगे मसाला मिक्स। एक कटोरे में डाल दीजिए 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर ले। अब 4 से 5 चम्मच तेल कढ़ाई में डाल दे और हीट कर ले। पनीर के पीसेस को डाल दीजिए और हल्का सा फ्राई कर ले। अब फ्राइड पनीर पीसेस को एक प्लेट में ट्रांसफर कर ले। अब सेम कढ़ाई में और 1 चम्मच तेल डाल दे और हीट कर ले। 1/2 चम्मच साबुत जीरा डाल दे और चटकने दे। सूखी लाल मिर्च को तोड़ के ऐड कर दे। अब अच्छे से स्टीर कर ले। अब ऐड कर दीजिए कटे हुए प्याज और अच्छे से स्टीर कर ले। अब डाल दीजिए ग्रेट किया हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्च। अब अच्छे से स्टीर कर ले। कवर करके 2 मिनट तक पका ले। लिड निकाल के अच्छे से स्टीर कर ले। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए अगर जरूरत पड़े तो, और अच्छे से मिक्स कर ले। अब डाल दीजिए कटे हुए टमाटर और हरे मटर। अब अच्छे से स्टीर कर ले। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने दे। लिड निकाल के डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर ले। कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका ले। लिड निकाल के अच्छे से स्टीर कर ले। कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका ले। लिड निकाल के अच्छे से स्टीर कर ले। अब ऐड कर दीजिए लिक्विड मसाला और अच्छे से मिक्स कर ले। कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका ले। लिड निकाल के अच्छे से स्टीर कर ले। अब डाल दीजिए उबले आलू के पीसेस और अच्छे से मिक्स कर ले। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकने दे। लिड निकाल के अच्छे से स्टीर कर ले। अब डाल दीजिए 1/2 ग्लास पानी और अच्छे से मिक्स कर ले। कवर करके 3 से 4 मिनट तक पका ले। लिड निकाल के अच्छे से स्टीर कर ले। अब डाल दीजिए 1/2 ग्लास पानी और अच्छे से मिक्स कर ले। कवर करके तब तक पकाए जब तक कि ग्रेवी उबलने ना लगे। लिड निकाल के अच्छे से स्टीर कर ले। मैंने 1 ग्लास पानी ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा। अब
इस स्टेज में फ्राई किए हुए पनीर की पीसेस डाल दें और अच्छे से स्टीर कर लें। कवर करके 2 मिनट तक पका लें। लिड निकाल के अच्छे से स्टीर कर लें। अब 1 चम्मच सूखी कसूरी मेथी डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब डाल दीजिए 3 चम्मच फ्रेश क्रीम और मिक्स कर लें। फाइनली ऐड कर दीजिए कटे हुए धनिया के पत्ते और मिक्स कर लें। कवर करके 2 मिनट तक पका लें। लिड निकाल के अच्छे से स्टीर कर लें। टेस्टी आलू मटर पनीर करी बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।